या मतलब कि महंगा ले, तो भाई मेरा एक ही कहना है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का लीजिए। आप सस्ते की तरफ बिल्कुल मत भागिए, आपका शरीर आपके लिए सबसे पहले है, ना कि पैसा। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप अच्छे कंपनी का सप्लीमेंट लीजिए। चैनल सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका बजट है सप्लीमेंट लेने का तो आप बिल्कुल लीजिए सप्लीमेंट, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट लें, बिना सप्लीमेंट के भी आपकी बॉडी बन सकती है। तो जिनको सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए या जिनको ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की, तो वो नॉन वेजिटेरियन है, जिनको ज़रूरत नहीं होती सप्लीमेंट की, जिनके डाइट पे अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, अच्छा कार्ब्स, अच्छा अमीनो एसिड, अच्छा विटामिन सब कुछ होता है, तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा सप्लीमेंट की। और जो सप्लीमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है एक वेजिटेरियन को, जिनको कुछ भी नहीं ज़्यादा मिल पाता है, ना कि ज़्यादा प्रोटीन। अगर आपको वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन अच्छा मिल रहा होगा तो आपको कार्ब्स भी ज़्यादा मिलेंगे, फैट भी ज़्यादा मिलेंगे, अमीनो एसिड भी कम मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट सस्ता लें या मतलब कि महंगा लें। तो भाई मेरा एक ही कहना है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का लीजिए। आप सस्ते की तरफ बिल्कुल मत भागिए, आपका शरीर आपके लिए सबसे पहले है, ना कि पैसा। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप अच्छे कंपनी का सप्लीमेंट लीजिए, सस्ते की तरफ बिल्कुल मत भागिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो कहते हैं कि भाई हम किडनी में फ़र्क पड़ता है, लीवर में फ़र्क पड़ता है जो प्रोटीन सप्लीमेंट से, तो भाई ये बिल्कुल भी मित दिमाग से निकाल दीजिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ के ओवरडोज लेंगे तो 101% नुकसान होगा, चाहे वो सप्लीमेंट हो चाहे वो डाइट भी क्यों ना हो, अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं किसी चीज़ का। अब जैसे कि आप सपोज़ करिए, अगर आप नेचुरल डाइट भी लेते हैं, अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके गैस प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई नुकसान सभी चीज़ के हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसके नुकसान ना हो। अगर ओवरडोज ले रहे हैं तो सब चीज़ का नुकसान है। तो मैं बता दूं सप्लीमेंट का कोई भी नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल जैसे लेते हैं नॉर्मल उस तरह से लीजिए, जितनी डोज़ है उसकी, एक स्कूप दो स्कूप जितनी भी डोज़ है आपके बॉडी के, अपने बॉडी के हिसाब से लीजिए, अपने प्रोटीन के रिक्वायर के हिसाब से लीजिए, जितने आपको बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो भाई सबसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है कि प्रोटीन के नुकसान नहीं होते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट।